नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार तिवारी, आपको सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहे हैं। सालासर से सुजानगढ़ रोड पर केवल 1 किलोमीटर पर श्री बालाजी नगर बसा है, जहां पर फ्लैट बनाए गए हैं और आप सब यहां पर अपना मकान सालासर धाम में खरीद सकते हैं और मकान बनकर तैयार भी है, बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी है। और आज यहाँ पर दादाजी खराम जी महाराज की जोत का आयोजन किया गया है। 1 साल पहले जब इसका उद्घाटन हुआ था उस समय भी दादाजी महाराज की जोत की गई थी, क्योंकि कल हमने दादाजी का जन्मोत्सव पंचमी का त्यौहार मनाया और आज पुनः दादाजी महाराज की जोत यहां पर 1 साल बाद की जा रही है। और कल दादाजी का जन्मोत्सव था सालासर सिद्धपीठ धाम के धनराजी पुजारी के श्री कमलों से, कर कमलों से आज यहाँ पर जोत का आयोजन किया गया है। आइए श्री बालाजी नगर से दादाजी महाराज की जोत और भजन संध्या का अवलोकन करते हैं। श्री बालाजी नगर सालासर जिला चुरू का दृश्य आप देख रहे हैं। आज दादाजी की जोत और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। आज छठवीं है, कल पंचमी के दिन दादाजी का जन्मोत्सव प्रस्तेव धाम में मनाया गया था और आज यहाँ पर दादाजी के जन्मोत्सव का आयोजन हो रहा है। सालासर से केवल 1 किलोमीटर दूरी पर है और रेजिडेंस है, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, रहे हैं, बहुत खूबसूरत फ्लैट बनकर तैयार हैं। सुजानगढ़ सालासर रोड पर स्थित है ये, सालासर से केवल 1 किलोमीटर दूर। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो सिद्धपीठ सालासर धाम में बाबा के दर्शन करें और उसका खुद का मकान हो, और ये सपना श्री बालाजी नगर आपका पूरा कर रहा है। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लैट बनकर तैयार हैं। और सालासर के बिल्कुल करीब हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर। सिद्धपीठ सालासर धाम से केवल 1 किलोमीटर दूर स्थित बालाजी नगर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों भक्त सिद्धपीठ सालासर धाम में आते हैं और बाबा के दर्शन करके अपना को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर सालासर धाम में आपका अपना मकान हो तो आप कितने भाग्यशाली समझेंगे अपने आप को, और वो सपना आपका पूरा कर रहा है श्री बालाजी नगर। सालासर धाम से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पर एकदम खुले स्वच्छ वातावरण में मुख्य रोड पर ये रेजिडेंसी आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपका सपना है कि सालासर धाम में हमारा अपना मकान हो तो यहाँ पर बालाजी नगर से आप संपर्क कर सकते हैं। आज यहाँ पर दादाजी खराम जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कल पंचमी के दिन दादाजी का जन्मोत्सव था, आज यहाँ पर दादाजी की जोत और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। 1 साल पहले दादाजी के जन्मोत्सव पर इसका उद्घाटन हुआ था और 1 साल बाद में आज पुनः वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत फ्लैट आप देख रहे हैं और ये आपका अपना हो सकता है। और जोत करने के लिए आदरणीय श्री हंसराज, जोत करने के लिए आदरणीय परम पूज्य श्री धनराजी पुजारी पहुंच चुके हैं। भक्त इनमें दादाजी का ही रूप देखते हैं और अभी जोत होगी आदरणीय धनराजी पुजारी के कर कमलों से। सभी स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं पुजारी जी को, पुजारी जी का आशीर्वाद लेते हुए सभी सभी आदरणीय धनराजी पुजारी इसे आशीर्वाद ले रहे हैं। 1 साल पहले जब श्री बालाजी नगर का उद्घाटन हुआ था तो आपने ही जोत जलाई थी और आज वार्षिक उत्सव मना रहा है, दादाजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और आदरणीय श्री धनराजी पुजारी जोत करने के लिए पहुँच चुके हैं, आपके पवन कर कमलों से दादाजी की जोत आज की जाएगी और सभी आशीर्वाद ले रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं पुजारी जी का। दादा भक्त महेश जी रतावा जो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पुजारी जी का स्वागत कर रहे हैं। बालाजी नगर के MD श्री लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ को आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत योजना है आपकी कि हर व्यक्ति का सालासर में मकान हो, और ठीक पीछे आप देख रहे हैं इतने सुंदर फ्लैट बनाए गए हैं और सालासर धाम में आपका मकान हो, ये सपना लक्ष्मण सिंह जी आपका पूरा कर रहे हैं। और आज दादाजी के जन्मोत्सव का सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। ठीक 1 साल पहले दादाजी के जन्मोत्सव पर इसका उद्घाटन हुआ था और आज बालाजी नगर का वार्षिक उत्सव और दादाजी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम एक साथ आयोजित हो रहा। बहुत ही खूबसूरत प्लेट आप देख रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर वातावरण आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, खुले वातावरण में एकदम बहुत ही खूबसूरत विला बने हैं आप देख सकते हैं, और ये आपके हो सकते हैं। आप बालाजी नगर से संपर्क कर सकते हैं, सालासर धाम से केवल 1 किलोमीटर दूरी पर हैं और लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा ये परियोजना यहाँ पर सालासर में चलाई गई है।
और बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा भी है। बहुत सुंदर वातावरण है, खुला वातावरण है और बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं इनको। ये बनकर तैयार हैं और बिक चुके हैं, पीछे और बन रहे हैं, आप देख रहे हैं ये निर्माण कार्य चल रहा है इनका, ये निर्माणाधीन है। सुंदर प्राकृतिक छटा यहाँ पर देखने को मिलती है, बिल्कुल खुला वातावरण है। सिद्धपीठ सालासर धाम से केवल 1 किलोमीटर दूरी पर है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। श्री बालाजी नगर सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। ये 6 विला बनकर तैयार हो चुके हैं। दादाजी का दरबार सजाया जा रहा है। दादाजी का जन्मोत्सव कल पंचमी के दिन मनाया गया था और आज सिद्धपीठ सालासर धाम में मनाया जा रहा है बालाजी नगर में। और दादाजी की, बालाजी की और माँ दधीमती की जोत होगी, बार में सजावट की जा रही है पुष्पों की। लक्ष्मण सिंह जी ने माता जी की जोत यहाँ पर की है, अभी नहीं, कुल देवी की जोत सबसे पहले की गई है। भाईसा रुक्मण कंवर के कर कमलों से माता जी की जोत अभी यहाँ पर हुई है। कुल 12 विला बनकर तैयार हो चुके हैं। ये पीछे का दृश्य है, 6 सामने बने हुए हैं और 6 पीछे बने हुए हैं। श्री बालाजी नगर सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य देख रहे हैं और यहाँ ये 3 और बनकर तैयार हो रहे हैं, यानी कुल 15 विला बन चुके हैं यहाँ पर, अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह है क्योंकि हर किसी का सपना है कि सिद्धपीठ सालासर धाम में हमारा अपना मकान हो और ये सपना बालाजी नगर पूरा कर रहा है। कुल 15 विला बन चुके हैं जिसमें कुछ बिक भी चुके हैं। ये आगे और पीछे कुल 12 विला हैं और 3 ये बनकर तैयार हैं। इतनी सुंदरता है यहाँ पर। लक्ष्मण सिंह जी सभी को जानकारी दे रहे हैं बालाजी नगर के बारे में, सहयोगी महेशी रतावा के साथ। सूरत से आए दादा भक्तों को जानकारी दी जा रही है। अजय और विजय जी जो कि सूरत के हैं और बहुत अच्छे सिंगराज भजन जी प्रस्तुत करने के सूरत से आए हैं। लक्ष्मण सिंह जी आशीर्वाद ले रहे हैं आदरणीय नन्नाजी पुजारी से, जिनके कर कमलों से अभी दादाजी की जोत होने वाली है। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर बालाजी नगर बसाए गए हैं लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ के द्वारा। और हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो सालासर धाम में अपना मकान खरीदे और ये सपना बालाजी नगर आपका पूरा कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, सैकड़ों एकड़ में ये पूरा बालाजी नगर बसाया गया है जिसमें 15 विला बनकर तैयार हो चुके हैं। 6 आप पीछे देख रहे हैं, इसके पीछे 6 बने हैं और 3 का निर्माण कार्य अभी कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना मकान सालासर में हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल बनने वाला है, यहाँ पर गार्डन बनने वाला है, यहाँ पर जिम बनने वाला है, यानी तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा बालाजी नगर। अगर कोई विवाह शादी करे तो इसके लिए बहुत सुंदर यहाँ पर ज़मीन है, खुला वातावरण है एकदम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि केवल 1 किलोमीटर दूरी पर सालासर सुजानगढ़ रोड पर है और आज यहाँ पर दादाजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक 1 साल पहले दादाजी अखाराम जी महाराज के जन्मोत्सव पर इसका उद्घाटन हुआ था और आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। दादाजी का दरबार सजकर तैयार हो चुका है। दादाजी का जन्मोत्सव आज बालाजी नगर सालासर धाम में मनाया जा रहा है।
स्वस्ति रक्षा कुर्वन्तु ते सदा तदन्तेः हस्तेः मौलिवन्दनम् इन्द्रो महाबल तेन त्वामनुवद्वामि रक्षी माचल माचल ब्रह्मा विष्णुरुद्र रक्षं कुर्वन्तु ते सदा ब्रह्मा विष्णुरुद्र रक्षं कुर्वन्तु ते सदा ॐ तदन्तेः श्रीस्तते लक्ष्मी समत्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो ज्ञातामाष्टनिखाणम् मैखाणम् सर्वलोकम् मैखाण हस्तेः तण्डुलानि कृत्वा अक्षय पलके खोल दे दादा अक्षय वरदान श्री प्रश्न धाम विराज दे श्री दादोजी श्री खराम जी देवाय नमः ध्यायामि ध्यानम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः एक तंत्रेण ध्यायामि ध्यानम समर्पयामि निवेद्यम समर्पयामि शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहार भक्ष्य भोजम च निवेद्यम प्रतिगृह्यताम रागणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विना नायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया बोलिए गणपति चलमते चाहियो अम्बे रानी की सरा माने भूल मत चाहियो अम्बे रानी की सरा भूल मत चाहियो अम्बे रानी की शरण मान भूल मत चाहियो अम्बे रानी की शरण अम्बे रानी की शरण माता करणी की माता करणी की शरण मान भूल मत जाइयो अम्बे रानी की शरण मान जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गुरुरारविंदम घरविंदे विनिवेशयन्तं वटास्यपत्रं सपुटे शयनं बलं मुकुंदं मनसस्मरामि जोत कराने के लिए आदरणीय अंदाजी पुजारी आसन ग्रहण कर चुके हैं पुजारी जी दादाजी और बालाजी की जोत कराएंगे सिद्धपीठ सालासर धाम के श्री बालाजी नगर का दृश्य आप देख रहे हैं श्री भंवर सिंह जी सहपत्निक जोत कर रहे हैं अभी दादाजी बालाजी दधिमती माँ माँ भगवती का पूजन किया गया है और अब आदरणीय दंडाजी पुजारी के कर कमलों से दादाजी की जोत होने वाली है अंगिरे लाए गए हैं जोत के लिए अंगिरा लाए गए हैं जोत होने वाली है सिद्धपीठ सालासर धाम के बालाजी नगर में दादाजी का जन्मोत्सव और इस श्री बालाजी नगर का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है श्री लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे विला बनाए गए हैं और यहीं पे आज जोत का और दादाजी की भजन संध्या का आयोजन किया गया वार्षिक उत्सव के तहत पहली आहुति में दादाजी प्रकट हुए हैं जोत में सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं आदरणीय श्री दंडाजी पुजारी के द्वारा दादाजी की जोत की गई है बालाजी नगर में और पहली आहुति में दादाजी का प्रकट हुआ है जोत में अल्पस्थेव धाम में भी आपने देखा था दादाजी खराम जी के जन्मोत्सव की जोत आज सालासर धाम के बालाजी नगर में प्रज्वलित की गई है जहाँ पर बालाजी नगर का वार्षिक उत्सव दादाजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा बालाजी नगर के एमडी लक्ष्मण सिंह जी जोत के दर्शन कर रहे हैं बालाजी महाराज की जय हेलो
श्री गुरु चरण सरोज रिजे तो निज मन मुकुर सुधार भरने और गुवर विमल जैसे तो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के तो सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहू मोहि हरिउ कलेश विकार हनुमान ज्ञान गुण सागरी जय कपीस तिहु लोक उजागरी राम दूत अतुलित बल दामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुमेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बजियोरी ध्वजा विराजे आधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदने तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर रघु चरित्र सुनिबे गोर सिया राम लखन सीता बन बसिया सो स्वरूप धरि सिया ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संगारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सची मनी लखन जियावे रघुवीर रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदनी तुम रो यस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादि की ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित ईसा जब कुबेर दिके पाल जहाते कवि कोविद कई सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवई कीना राम मिलाई राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्रियो जन पर भानो लीलो लाही मधुर फल जानू प्रभु मूत्रिका मेली मुखि माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जग के जेते तुम रे देते राम दुआरे आप रखवारे आ गया बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी सरिणा रक्षक काहू को डरना आप न तेज समारो आपे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन दान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर सीत जगत उजियारा साध संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारो भजनी राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख
बिसरावे अंतकाल लक्ष्मण जी के पिताजी जोत कर रहे हैं। Oh,
बाहर निश
Yeah.
महाराज की जय की जय। श्री सालासर दरबार की जय। मोहनदास जी महाराज की जय। कानी दादी जी की जय। बोलो साचे दे हेलो हेलो Thank you.
बालाजी महाराज की।
दुखियों के तुम्हें भाग्य विधाता दुखियों के तुम
Thank you.
You know.
बालाजी महाराज
ਦੀ ਦਸ਼ਾਉ ਨਸ ਕਰਸਾ
अम्बेश्वरी और धर्म आई रोजा करोड़ गुना मामा पे करो मैं बालकी अनजान मैं बालक अनजान शरण में जायो तेरी मोटिया यल माय लाज रख जो मैया मोरी अरे भूरोड़े भाकरिए सिंगी गुंजताए मां अरे भूरोड़े भाकरिए सिंगी गुंजताए मां
व्यवस्था यहाँ पे बनी है और जिन भक्तों को सालासर बालाजी महाराज के धाम में उनके पास रहना हो वो यहाँ पे अपनी बुकिंग अवश्य कराएं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे मकान बने हैं, मुझे आज देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि बाहर से भी आदमी आके बालाजी महाराज के पास अपना मन की बात करने के लिए रुक सकते हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था बालाजी नगर, ऐसी मनोकामना, ऐसी शुभकामना कि इनके जिस कार्य से ये दिव्य ज्योत आज इन्होंने यहाँ पे की है उनका शुभ आशीर्वाद बालाजी दादाजी महाराज के आशीर्वाद से इन्हें मिले। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। वक्रतुंडी महाकाय सूर्य कोटि समप्रभम निर्विघ्नम गुरु में देवे सर्वे कार्ये सुसर्वदा मनोजीवम मारुति तुल्यमे जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मनम वानरयुद्ध मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। लाली देह लाली लसे अरुधर लाल लगो वज्र देह दानव दलन जय 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 सुंदर दरबार सभा है आज यहाँ पर बालाजी नगर के इस प्रांगण में। बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं हमारे बड़े भाई साहब महेश जी अतावत हो। तो आइए चलते हैं बालाजी महाराज और दादाजी महाराज का गुणगान करते हुए आज के इस भव्य आयोजन में। सालासर धाम से कुछ ही दूरी पर ये बालाजी नगर बना हुआ है और सालासर उसके आगे है, उसी की वजह से शायद उसका नाम बालाजी नगर रखा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं महेश जी को। तो आइए चलते हैं बालाजी महाराज के दरबार में, बालाजी महाराज की हाजिरी लगाते हैं आज के इस भव्य आयोजन में। हनुमान विराजे रे पठे बजरंग विराजे रे हनुमान विराजे रे पठे बजरंग विराजे रे हो पठे मरो विराजे रे ओ पठे मरो
बालाजी के इस भजन से तालियों के साथ जितने भी यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई सभी हो झालर संख नगारा झालर संख नगारा हो झालर संख नगारा बाजरी बाजरी साला सर के मंदिर में हनुमान बिराजरी बिराजरी पथे बजरंग बिराजरी हनुमान बिराजरी पथे बजरंग बिराजरी
Thank you.
बाबो बिराजे रे पठे मारो बाबो बिराजे रे पठे मारो बाबो बिराजे रे सालद संग नगाड़ा मंदिर में हनुमान बिराजे रे सालसर के मंदिर में हनुमान बिराजे रे चैन सिंह चरिया पोचा कर लाज रखो हनुमान चैन सिंह चरिया पोचा कर लाज रखो हनुमान लगा मैंने साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे रे साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे रे हनुमान बिराजे रे पठे बजरंग बिराजे 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 रे पठे मर भगो बिराजे रे पठे मर भगो बिराजे रे धाम की बोलिए बालाजी महाराज की आइए चलते हैं क्योंकि जब भी भक्त की बात आती है तो हनुमान जी महाराज का नाम सबसे ऊपर रहता है। बालाजी महाराज ऐसे जो चमत्कारी देव है परचों के बादशाह जिन्हें कहा जाता है देश विदेश में नहीं पूरे विश्व में बालाजी महाराज का डंका हर जगह बजता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर बालाजी महाराज का गुणगान ना हो और उनके ही परम भक्त हनुमत भक्त निष्ठ दादोजी महाराज जो परशुराम धाम में साक्षात विराजमान हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 20 अगस्त को दादोजी महाराज का मेला 19 और 20 अगस्त को लगा था। बहुत ही धूमधाम से सभी भक्तों ने मनाया। यहाँ पर सभी दादा भक्त आए हुए हैं। सबको मेरी तरफ से जय दादा की बोल परशुराम धाम की जय हो। उधरी ज्योति जले ओ ज्योति जले घर घर में शुभ हो श्यामी दादो जी उधरी ज्योति जले ओ उधरी ज्योति जले उधरी ज्योति जले घर घर में हरी ज्योति जले घर घर
जिन पर तालियां बजाएंगे। हाँ, वैसे तो सभी पे हैं, लेकिन तालियों के साथ साथ देंगे आज के इस भव्य आयोजन में बालाजी नगर के इस प्रांगण में महेश जी के अलावा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा दाता वह कौन हमारा है, अब तेरे सिवा दाता वह कौन हमारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा दाता वह कौन हमारा है, अब तेरे सिवा दाता वह कौन हमारा है। विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा दाता वह कौन हमारा है, अब तेरे सिवा दाता वह कौन हमारा है, अब हनुमान तुम आइयो जहाँ होत कथाई दिया, तुम सेवक श्री राम के तुम्हें चरणों का। राम दूत हनुमान, हनुमान जय राम दूत हनुमान, करो मेठा रही गुणगान, जय राम दूत हनुमान, जय राम दूत हनुमान, करो में सारा ही गुणगान।
Yeah.
Oh,
Thank you.